हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी, जो है वेट स्केल मशीन। ये मैंने अमेजोन में से लिया है और इसकी प्राइस है 900 समथिंग। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वैसे तो कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, 500 से लेके 1500 तक के वेट लॉस स्केल मशीन आते हैं। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इस मशीन के साथ एक मेजरमेंट टेप भी दी गई है और इसकी बॉडी की डिजाइन की बात करें तो ये स्क्वायर डिजिटल है और काफी ये स्टाइलिश लुकिंग है इसका। तो इसमें एलसीडी डिस्प्ले विद लाइट बैटरी दी गई है और इसमें बैटरी इंडिकेटर भी दिया गया है। जब भी इसमें बैटरी खत्म होने वाली होती है तब इसका इंडिकेटर इंडिकेट होता है और साथ ही इसमें जब भी ओवरलोड होता है तो एरर आ जाती है और रूम का टेम्परेचर है वो भी डिस्प्ले होता है। ये मशीन 6 mm थिक टेम्पर्ड ग्लास से बना हुआ है, तो काफी मजबूत ग्लास है इसमें। और पीछे की साइड देखे तो ऐसी डिजाइन है और इसमें जो स्टैंड दिए गए हैं वो भी सरफेस के साथ चिपक जाते हैं। इस मशीन में 2 बैटरी डालनी पड़ती है AAA की। इसमें केजी में भी मेजरमेंट होता है और डैन में भी मेजरमेंट होता है। मिनिमम 2.5 केजी से लेके 180 केजी तक हम इसमें मेजर कर सकते हैं। ओवरलोड होते ही इसमें एरर आ जाता है। तो पीछे की तरफ डैन में भी कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, स्विच दी गई है। इस मशीन को आप फ्लैट सरफेस पे ही रखना ताकि एक्यूरेट वेट स्केल दिखाई दे। इसमें स्टेप ऑन टेक्नोलॉजी है, यानी कि इस मशीन में खड़े रहने के बाद ऑटोमेटिक मशीन स्टार्ट हो जाएगा और 2 बार ब्लिंक करेगा और उसके बाद एक्यूरेट वेट आपको दिखाई देगा और इसमें कोई स्विच की जरूरत नहीं है। ये है बैटरी इंडिकेटर और ये है रूम टेम्परेचर। अब ये इसमें जो वेट दिखाई देता है वो केजी में है। अगर आपको डाइन में कन्वर्ट करना है तो ये स्विच दी गई है, इसे आप प्रेस करेंगे तो वो डाइन में वजन दिखाई देगा। इस मशीन को हम सभी जगह यूज कर सकते हैं, जिम में कर सकते हैं, क्लिनिक में यूज कर सकते हैं, घर पर भी यूज कर सकते हैं। और इसका जो एलिगेंट लुक है वो हर तरह के जो बेडरूम होते हैं, बाथरूम होते हैं या फिर किचन होते हैं, मल्टी यूटिलिटी में ये अच्छे से आ जाता है। तो इसमें एक्यूरेट माप ही आता है, कभी कभी 1-2 केजी आगे पीछे हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियो ही बना सकूँ आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।